हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंट ऑफ इलिक बाई कुलदीप सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जेनेटिक्स यूनिट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके थे पेडिग्री एनालिसिस को, जो भी जेनेटिक्स यूनिट का है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे लगभग लगभग हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीन मैपिंग के बारे में। पेडिग्री एनालिसिस भी जीन मैपिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो जानेंगे हम लोग क्या होता है जीन मैपिंग, जिससे लगभग लगभग हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन आया था और बहुत ही इजी वे में आया था, 4 मार्क्स में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे और एक एक टॉपिक को इसमें से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात तो जीन और मैपिंग, तो जीन मैपिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाट इज द मीन ऑफ जीन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ मैपिंग। जीन क्या होता है और मैपिंग क्या होता है, इसको तोड़ करके पहले समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। जिन्होंने कभी भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है उनको भी बड़ी इजीली समझ में आएगा, रटना नहीं है सिर्फ समझना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है ना। तो जीन, उम्मीद है आप लोग को पता होगा क्या होता है जीन। क्या होता है, डीएनए का वो सेगमेंट या वो डीएनए के सीक्वेंसेस जो किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हो, किसी एक इंफॉर्मेशन को क्या करें, एक्सप्रेस कर दें, उस डीएनए के सेगमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, जीन कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए एंड एमआरएनए गेट फर्दर कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, प्रोटीन। तो जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन के फॉर्म में। प्रोटीन भी फर्दर कन्वर्ट हो सकती है किस फॉर्म में, एंजाइम्स के फॉर्म में, या डायरेक्ट भी एंजाइम की तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गई जीन। तो जीन क्या हो गया, एक डीएनए का सीक्वेंस, ये एक जीन हो गया। इसके अलावा ये भी एक जीन हो गया, ठीक है। तो ये जीन्स हो गए, इसमें अपना न्यूक्लियोटाइडल सीक्वेंस रहेंगे, एडिनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन जो भी है उनका अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, जिसके कारण वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करेंगे। फिर आती है मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मल आप लोग मैप पढ़ते होगे ज्योग्राफी में, उसमें क्या देखते हो, मैप करते हो, मैपिंग करते हो, उसमें क्या देखते हो कि अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज, अलग अलग रिवर्स, लेक्स, ठीक है, जो भी है, तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जा रही है, किन्हीं दो लेक्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। और मान लेते हैं कि हम लोग सिर्फ रिवर लेकर के चलते हैं, तो दो रिवर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो कौन कौन सा एरिया कवर कर रही है, यही सब तो मैप पे पढ़ते हैं। या सिटीज की बात करते हैं तो कहाँ पे लखनऊ है, कहाँ पर गुजरात है, या बोल सकते हो गुजरात के एक सिटी की बात करते हैं तो अहमदाबाद है, कहाँ पर आपका मैसूर है, तो कहाँ कहाँ पर ये पाए जा रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये सब हम लोग करते हैं मैपिंग में। तो जीन मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, जीन मैपिंग में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जीन्स जो हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। एक बात क्या पता कर रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, और डिस्टेंस क्या है, इसके अलावा सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है। मैपिंग में हम लोग पढ़ते हैं, जब मैप देखते हैं उसमें सीक्वेंस पता चल जाता है कि अगर हम लोग यहाँ से लखनऊ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो पहले आपका हरदोई पड़ा, शाहजहांपुर पड़ा, बरेली पड़ा, दिल्ली पड़ा, तो ये सीक्वेंस है। वैसे ही यहाँ पर भी सीक्वेंस देखते हैं कि अलग अलग जीन्स का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, इसके अलावा जीन में हम लोगों में या बोल सकते हो नॉर्मल मैप में ऐसा कुछ नहीं होता है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाए, लेकिन यहां पर क्रॉसिंग ओवर या इसके जस्ट अपोजिट लिंकेज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब जीन्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। मतलब दो जीन्स है, मान लेते हैं ए, ऐसे समझते हैं, बी और सी, ठीक है।
दूसरा है ए बी और सी, ये हो गए आपके क्या रिसेसिव एलील, ये हो गए क्या डोमिनेंट एलील। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो ए बी सी आएगा, या ए बी सी आएगा, या ए बी सी आएगा, या ए बी सी आएगा, कैसा आएगा, ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये भी हम लोग कैसे पता कर पाते हैं मैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्या क्रॉसिंग ओवर, सॉरी क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो डिपेंड करता है कि उनके ये जो जीन्स है इनके बीच में लिंकेज कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, और अगर लिंकेज स्ट्रांग है या वीक है ये कॉन्सेप्ट गवर्न करेंगे कि उनमें क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा। अगर क्रॉसिंग ओवर जैसा फिनोमेना हो रहा है तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ये दो फिनोमेना देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे, बहुत सारा बेसिक्स आपका क्लियर होगा भी, और बहुत सारा बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है तो जो नहीं है उसको भी हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। तो बताया क्या जा रहा है, मेथड टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ एनी जीन, किसी भी जीन की लोकस लोकाई लोकेशन पता करना होता है हमें, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, पहले बता दिया रटना कुछ भी नहीं है, दो जीन्स के बीच में क्या डिस्टेंस है और कोई पर्टिकुलर जीन कहाँ पे पाया जा रहा है, इसी को हम लोग जीन मैपिंग के थ्रू पढ़ते हैं। इसको हम लोग कई तरह से कर सकते हैं, जीन मैपिंग को करने के कई तरीके हैं, कोई एक तरीका जो है वो दूसरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा तो फिर दूसरा तरीका बनाया गया, ठीक है। इस तरह से नए नए तरीके नए नए मेथड्स आते गए, तो उनमें से एक है पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखी है, एक वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पेडिग्री एनालिसिस पढ़ लेंगे, लगभग लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2020 में भी इससे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, हमने वीडियो में अपलोड किया, वहां पर आपको पेडिग्री एनालिसिस को बिल्कुल बेस से समझाया, और फिर जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे पेडिग्री एनालिसिस बाई कुलदीप सोनी, ठीक है। दूसरा जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लिंकेज मैपिंग, इस टॉपिक को बड़ा ब्रॉड वे में पढ़ेंगे, लिंकेज मैपिंग क्या होती है, इसके अलावा जीन मैपिंग बाय सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन ये भी पढ़ेंगे, अभी नहीं नेक्स्ट वीडियो में, जीन मैपिंग बाय टेट्राइड एनालिसिस इसको भी देखना है, इंटरप्टेड जीन मैपिंग और रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, इस तरह के कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे जीन मैपिंग जैसे कंसेप्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो जीन मैपिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या लिंकेज मैपिंग, तो फिर से वही कहानी आएगी कि लिंकेज क्या होता है और मैपिंग क्या होता है। लिंकेज का मतलब होता है लिंक करना, जोड़े रखना, और मैपिंग क्या होती है वही जीन्स की लोकेशन को और दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस को पता करना। अब फिनोमेना आ रहा है लिंकेज क्या होता है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग बेस से बिल्कुल समझते हैं। तो लिंकेज मैपिंग के बारे में बात करते हैं, लिंकेज मैपिंग का मतलब क्या होता है, ये भी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, पहला टर्म है लिंकेज और दूसरा टर्म है क्या मैपिंग। मैपिंग के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको, लिंकेज का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, व्हाट इज द मीन ऑफ लिंकेज, तो लिंकेज आप उम्मीद है पता है, फिर भी देख लेते हैं लिंकेज क्या होता है, चलिए देखते हैं बात को लिंकेज क्या होता है। तो लिंकेज क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है नॉर्मल, या मान लेते हैं ऐसे कुछ, ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम इमेजिन करते हैं ये है ऐसा कुछ, इसमें ऐसा आपको डिजाइन दिख रही, मान लेते उसके अंदर जीन्स की रीडिंग है, जीन्स है ऐसा कुछ, ये रेड ऐसे इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में हुई पेयरिंग, ठीक है, पेयरिंग हुई यहां पर, जिस पॉइंट पे पेयरिंग हो रही है, सॉरी जिस पॉइंट पे पेयरिंग हो रही है, मान लेते इस पॉइंट पे पेयरिंग हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे पेयरिंग चल रहा है उसको बोल रहे हम लोग कियाज़मा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, इधर से कुछ इंफॉर्मेशन इधर आ गई, ठीक है, दोनों के बीच में हुआ क्या, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन
एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई। तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाना क्या कहलाया गया? क्रॉसिंग ओवर। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन जो थी यहां से लेकर के यहां तक, या यहां से लेकर के यहां तक जो भी इंफॉर्मेशन थी वो वही रही। तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाना, यहां पर जब भी देखा जाए क्रोमोसोमल पेयरिंग हो रही, मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस में दो काम हुआ, एक तो जेनेटिक जीन एक्सचेंज बोल सकते हो हुआ, और दूसरा ये भी बोल सकते हो कि कुछ जीन्स एक्सचेंज नहीं भी हुए तो जीन का रिटेंशन हुआ। जीन का रिटेंशन हुआ, जीन्स बने रह गए एक साथ, ठीक है। तो जीन्स का एक साथ बने रह जाने के फिनोमिना, ये इसलिए बने रह गए क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं क्या, यहां पे क्या थी, लिंकेज थी। और यहां पर जो एक्सचेंज हुआ इसको हमने बोला ये क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट। क्रॉसिंग ओवर हो जाने से क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो जाने से एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ। पहला कुछ कॉम्बिनेशन कैसे रहा करता था, एक कुछ नया कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। पहले इसका कॉम्बिनेशन कुछ ये था, ऐसा कुछ व्हाइट ब्लैक था, फिर ग्रीन था, फिर ग्रीन कैप था, इमेजिन करो, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन आया, कुछ नया कॉम्बिनेशन आया। इस नए कॉम्बिनेशन, ये नया कॉम्बिनेशन किसका है, मार्कर का नहीं, जीन्स का। तो हमने बोला जीन्स का एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, और इसको हमने बोल दिया क्या, जीन्स का नया कॉम्बिनेशन री, मतलब दोबारा एक नया कॉम्बिनेशन बना, क्या बना, कॉम्बिनेशन बना। और हमने बोल दिया एक हुआ क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स का दोबारा एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाने से क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाने से क्या होता है, जेनेटिक लेवल पे वेरिएबिलिटी आती है, जेनेटिक लेवल पे वेरिएबिलिटी आती है। और जिसके कारण जब जीन लेवल पे वेरिएबिलिटी है तो फिनोटिपिक भी वेरिएबिलिटी आएगी, कोई दिक्कत। यही कारण है कि क्रॉसिंग ओवर ही वो कारण है जिसके कारण हम सारे इंसानों के अंदर क्रोमोसोम का नंबर तो सेम है, सबके पास XX या XY है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, कुछ स्पेशल केस को छोड़ दिया जाए, नॉर्मल बात हो रही, वाई टाइप की बात हो रही है, नॉर्मली बोलना चाहिए, वो भी नॉर्मल है, लेकिन वाई टाइप की बात हो रही है। तो सबके पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन सबका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अलग अलग है, इवन दो भाइयों का भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अलग अलग है, कोई कम गोरा है, कोई ज्यादा गोरा है, कोई किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है। ये सब जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है क्रॉसिंग ओवर के कारण। लेकिन दोनों इंसान है, जैसे आप इमेजिन करो कि आपके पिताजी इंसान, बाबा इंसान, ग्रैंडफादर आपके इंसान, और ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर या उनके भी ग्रैंडफादर कौन थे, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से बोल दोगे कि वो क्या कौन थे, इंसान थे। लेकिन अगर आप मन में ही खुद सोचो कि उनका क्या नाम था, वो कहाँ रहते थे, तो शायद ही इतनी जो आपकी बैक जनरेशन है, सिक्स सेवन्थ एट्थ जनरेशन, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे पाओ, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि वो इंसान थे। उसका कारण है लिंकेज। तो लिंकेज ने क्या किया, लिंकेज ने जेनेटिक इंटीग्रिटी मेंटेन करी, जेनेटिक इंटीग्रिटी मेंटेन करी। लेकिन हम लोगों को क्या काम है, हम लोगों को काम है लिंकेज से। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो जीन साथ साथ रहते हैं, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स टू रिमेन ईच अदर, एक दूसरे के साथ बने रहना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो दो या दो से ज्यादा जीन्स का एक साथ बने रहने की प्रोसेस को, बने रहने के फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं,
लिंकेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये कब की बात हो रही है, एक साथ बने रहना मतलब क्या, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जब माता से होता क्या है कि जब एक कोई प्रोजनी आती है, F1 जनरेशन आई, तो F1 जनरेशन कहां से आई, फादर से और मदर से, इन दोनों के मिलने से आई। तो इन्होंने कुछ जीन्स दिए और इन्होंने कुछ जीन्स दिए, इनके जो जीन्स एक साथ बने रह गए और इनके जो जीन्स एक साथ बने रह गए उसको हम लोग बोल रहे हैं लिंकेज, ठीक है। अब लिंकेज से हम लोग दूरी कैसे निकाले, लिंकेज से हम लोग मैपिंग कैसे करें, उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है थोड़ा सा लिंकेज को और अच्छे से, ठीक है। तो लिंकेज कोई दो जीन्स के बीच में या कोई दो जीन्स का एक साथ बने रहना, कोई दो जीन्स का एक साथ बने रहने की टेंडेंसी कितनी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है उन जीन्स के बीच की दूरी कितनी है। इमेजिन करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक ये क्रोमोसोम है, या इतना डिजाइनर ना बना करके हम लोग ऐसे सिंपल बना रहे हैं, ठीक है, और कोई एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा कलर, कोई एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ अपनी रीडिंग है, क्या रीडिंग है इसके ऊपर, मान लेते हैं इसके ऊपर अपनी रीडिंग है, सॉरी इसके ऊपर कुछ अपनी रीडिंग है ए बी सी डी, और इसके ऊपर अपनी रीडिंग है मान लेते यही है ए बी सी और डी, ठीक है। ऐसे ही इसके पास भी कुछ अपनी रीडिंग है ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो दो क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा भैया, ध्यान देते हैं, ऐसा कुछ और तो हुआ क्या, जो जेनेटिक सेगमेंट्स है उनका एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक सेगमेंट्स का एक्सचेंज हुआ ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ऐसे ही इधर भी ध्यान देते हैं क्या चीज ए बी सी डी और ए बी सी डी, हुआ क्या यहाँ पर एक्सचेंज हो जाने से, रीडिंग को भी अगर ध्यान नहीं रखना तब भी कोई बात नहीं है, एक्सचेंज हो जाने पर हुआ क्या, नया कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला, क्या कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है, देखते हैं कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है और ठीक है कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा ऐसा, मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ कि इतना सेगमेंट जो था वो ब्लैक हो गया, ये वाला सेगमेंट और इस वाले में ब्लू हुआ, तो इतने का क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो हुआ वो कहाँ कहाँ पर हुआ, वो हुआ ए और बी के बीच में, ए और डी के बीच में नहीं हुआ, ए और बी के बीच में हुआ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर अगर हो गया, मतलब ए और बी के बीच में अगर जीन्स का एक्सचेंज या सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पे एक्सचेंज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर एक्सचेंज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो डिपेंड करती है उसकी डिस्टेंस पे, इस पर डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी जीन जो था वो यहाँ था, एक दूसरा केस था ए और बी जीन जो था वो यहाँ था, एक तीसरा केस है ए और बी जीन यहाँ यहाँ पे है। डिस्टेंस मतलब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो जेनेटिक डीएनए सेगमेंट्स है उनका क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, अगर अच्छे से व्यवस्थित पढ़े होगे तो वहां पर इस टर्म को सुने होंगे, ठीक है। होता क्या है, इधर से उधर की ओर, ये जो मैंने करके दिखाया था, इधर से इधर और इधर से इधर इंफॉर्मेशन का या जेनेटिक सेगमेंट्स का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज होने के चांसेस क्या है, यहाँ पर एक्सचेंज होने के चांसेस क्या है, अगर यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन हो तब भी ए बी सेपरेट, यहाँ पर हो तब भी सेपरेट, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो तब भी सेपरेट, यहाँ पर हो तब सेपरेट नहीं होंगे, तब ए और बी साथ साथ रहेंगे, ठीक है। इस केस में देखो, यहाँ पर हो तो कोई सेपरेशन नहीं होगा, ए बी साथ रहेंगे, यहाँ पर हो तब भी साथ रहेंगे, यहाँ पर हो तब भी साथ रहेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे
इन केसेस में टर्मिनलाइजेशन हो पाएगा। इस केस में देखो यहाँ कहीं भी सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इससे हमें पता क्या चला, इससे पता ये चला कि जब ए बी के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, जैसे जैसे ए और बी के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, वैसे वैसे उन जीन्स का, उन एलील्स का सेपरेशन मुश्किल होता जा रहा है। सेपरेशन मुश्किल मतलब क्रॉसिंग ओवर मुश्किल हो रहा है, और क्रॉसिंग ओवर मुश्किल होता जा रहा है मतलब लिंकेज, अगर क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज एक दूसरे के क्या है, अपोजिट फिनोमिना है, ये अगर मुश्किल हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो नहीं पा रहा, तो क्या हो रहा है? अगर ये नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? लिंकेज हो रहा है। कोई पता चल गया कि लिंकेज क्या होती है? लिंकेज में जीन्स के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना कम क्रॉसिंग ओवर होगा, और जितना कम क्रॉसिंग ओवर होगा उतना कम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, और जितना कम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा उतना जेनेटिक वेरिएबिलिटी और फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी भी कम देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग देखें कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई एक करेक्टर एक्स वाई जेड इमेजिन कर लो, उसमें लगातार वेरिएबिलिटी आ रही है, तो हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि ये जीन्स जो हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पता चला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो F1 इंडिविजुअल मिले वो 100 मिले, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग लिंकेज बैकविंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो F1 प्रोजनी आ रही है वो 100 इंडिविजुअल्स थे, उनमें से 51 पेरेंट की तरह थे और 58 पेरेंट की तरह थे, दो पेरेंट्स हैं, या बोल सकते हो मदर की तरह थे 50 और 50 फादर की तरह थे। तो यहां पर क्या देखने को मिला कि सारे के सारे प्रोजनी पेरेंट्स की तरह ही हैं, कोई नया कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ ही नहीं, कोई नया कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ ही नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहां पे लिंकेज बहुत ज्यादा इंटेंस है। लेकिन मान लेते हैं कि 48 पेरेंट की तरह, 48 पेरेंट की तरह 10 एक कॉम्बिनेशन, या इतना फिक्स ना रखे 12 और 8 एक कॉम्बिनेशन, ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन वो अभी धीरे धीरे समझेंगे। अभी हम लोग को ये जानना है कि लिंकेज मैपिंग में जीन्स के बीच की डिस्टेंस के बेस पे, एलील्स के बीच की डिस्टेंस के बेस पे हम लोग यहाँ पर कैसे मैपिंग करेंगे, या कैसे क्रॉसिंग ओवर को देख करके, फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि उन जीन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अभी केवल इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। धीरे धीरे अभी इससे आए हुए क्वेश्चन तो खूब क्वेश्चन आए हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ये है, ये है, मतलब हमको पता चला कि जो नया कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ वो टोटल 20 था, टोटल 20 है, 40 पेरेंट की तरह है और 40 दूसरे पेरेंट की तरह है। तो इससे हमें पता क्या चला, इससे पता चला कि 80 टाइम्स लिंकेज ज्यादा इफेक्टिव था और 20 टाइम्स क्रॉसिंग ओवर है। पहले वाले केस में क्रॉसिंग ओवर जो था, फर्स्ट केस में क्या था, क्रॉसिंग ओवर जो था वो 0 था। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, जब हमने दूसरे किसी चीज की, दूसरे किसी करेक्टर की स्टडी करी तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिला, कितना 20 टाइम। तो हमें पता चला कि इस करेक्टर में लिंकेज वीक है, इस करेक्टर में, करेक्टर नंबर सेकंड में, और करेक्टर नंबर फर्स्ट में लिंकेज ज्यादा पोटेंट है। तो लिंकेज की स्टडी करके, लिंकेज की स्टडी का मतलब क्या है, क्रॉसिंग ओवर भी पैरेलल चल रही है, ठीक है, स्टडी करके हम लोग बता सकते हैं कि क्या डिस्टेंस है। समझ में आ गई बात कि नहीं, डिस्टेंस बता सकते हैं, ज्यादा क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है तो ज्यादा डिस्टेंस है, कम क्रॉसिंग ओवर देख रहा है तो कम डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दे लेते हैं यहां पर कि लिंकेज कितनी हो सकती है, ठीक है। तो लिंकेज कितनी हो सकती है, लिंकेज हमेशा मोर देन 50% होगा, लिंकेज हमेशा
मोर देन, सॉरी मोर देन 50%, 50% से ज्यादा ही रहेगा। सब नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो छोटे छोटे टर्म्स में, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर 50% या 100% भी हो सकती है, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं लिंकेज कहीं पे 70% है, हो सकता है ऐसे घुमा कर क्वेश्चन दे, तो आपके मन में समझ में आ जाए कि क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेट्स कितने हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेट्स हर बार हम अलग अलग टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेट्स कितने होने के चांसेस है, वो है 0 से 50%, बस मैक्सिमम कितना है 0 से 50%, 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है, 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही क्रोमेटिड पे, दोनों पे नहीं होता कभी भी, एक ही क्रोमेटिड पे होगा। अगर एक पे पूरी तरह से हो गया तब भी कितना रहेगा, तब भी 15% होगा, मतलब पूरा पूरा क्रोमेटिड ही एक्सचेंज हो जाए तो एक तो तब भी रहेगा ना। अरे भाई दो क्रोमेटिड है, इमेजिन करो दो क्रोमेटिड है ऐसे, या क्रोमोसोम है एक ऐसे, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, और दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ, एक ऐसा पेयर तैयार हुआ, एक ऐसा पेयर तैयार हुआ। तो अगर इनकी तुलना करो इनसे तो नया कॉम्बिनेशन कितना है, एक स्ट्रैंड तो वही रहा, एक नया बना 50%। ये भी बड़ा मुश्किल से होता है, ये भी बड़ा मुश्किल से होगा कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक्सचेंज हो जाए, बड़ा मुश्किल से होता है, ठीक है। होता क्या, थोड़ा सा सेगमेंट एक्सचेंज होता है, जब सेगमेंट एक्सचेंज होगा तो और कम, क्लियर। दूसरी चीज, अगर इनकी इनसे कंपैरिजन करो तो कितना है, इनसे इनका तो ब्लू, तो ब्लू मैच कर गया लेकिन ब्लैक नया आया, तो एक नया आया तो मैक्सिमम 50%, ठीक है। और लिंकेज मिनिमम कितना 50% है, क्लियर हो पा रहा बात की नहीं। अब हम लोग धीरे धीरे मूव करते हैं लिंकेज मैपिंग की तरफ, तो कुछ हमने लैंग्वेज भी लिख रखी, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। लिंकेज मैपिंग क्या है, लीनियर या सर्कुलर डायग्राम, एक लीनियर है या सर्कुलर डायग्राम है, ठीक है। बैक्टीरिया के जैसे सर्कुलर वगैरह और नॉर्मल यूकैरियोट्स में लीनियर डायग्राम वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है उसका। शोइंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, लिंकेज मैपिंग क्या है, एक ऐसी मैपिंग की टेक्निक है जिसमें हम लोग लीनियर या सर्कुलर डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई दो जीन्स की रिलेटिव पोजिशन क्या है, कोई दो जीन्स, वो दो जीन्स एडजेसेंट भी हो सकते हैं, वो दो जीन्स थोड़ा दूर दूर भी हो सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज मैप डिस्टेंस, ठीक है, अब जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं मैप डिस्टेंस, जो भी दूरी आ रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैप डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसओवर। अब जो दूरी है वो हमको कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी कि कितनी दूरी है, डीएनए एक तो इतनी छोटी सी सेल हो गई, उतना उससे बहुत छोटा क्रोमोसोम हो गया, उससे बहुत छोटा सा डीएनए हो गया, दिख तो रहा नहीं है, फिर उसमें जीन्स तो फिर समझ लो इनविजिबल ही है बिल्कुल, फिर उनमें दूरी पता करनी, अरे भाई बड़ा मुश्किल काम है। तो दूरी हम लोग वैसे नहीं पता करेंगे, दूरी कैसे पता करेंगे, जो एब्रीविएट हो रहा है, जो फिनोटिपिकली दिख रहा है, जो करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, जो करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। अभी समझ में आएगा, एक पहले सिर्फ थ्योरी समझो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर 50% भी बात समझ में आ रही तो बहुत आ रही है, एक न्यूमेरिकल इसका लगाएंगे, एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझते रहिए, और समझ में आए लास्ट में तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आए तो आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका UPI ID भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में, टॉप कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैप डिस्टेंस से कैसे हमें पता चलती है कि दो जीन्स के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी है वो बोलती है मैप डिस्टेंस, ठीक। और कैसे पता चलती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉस ओवर, मतलब 100 में 40 नए केस, 100 में 40 क्रॉसिंग ओवर, ये 40 क्रॉसिंग ओवर देखने को मिला, तो 100 में 40 मतलब 0.4 फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50। तो समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50%। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 0.5 कहे की क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके बेस पे हम लोग को पता चल जाएगा कि उनके बीच की दूरी कितनी है, क्लियर। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी से हमें क्या पता चलेगा,
बताया जा रहा है कि मैप डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जितनी ज्यादा मैप डिस्टेंस होगी, मैप डिस्टेंस मतलब दो जींस के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, वन मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब हमने बोला कि चल मान लेते हैं सर कहीं पर मैप डिस्टेंस वन है, तो वन मैप डिस्टेंस का क्या मतलब है? तो वन मैप डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस दैट यील्ड ऑन एवरेज 1% रिकॉम्बिनेंट। अगर हमने बोला कि कहीं पर मैप डिस्टेंस वन है, तो मतलब क्या है कि अगर 100 इंडिविजुअल्स बन रहे हैं तो उसमें वन इंडिविजुअल ऑन एवरेज वन इंडिविजुअल कैसा दिखेगा हमें? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, इतनी डिस्टेंस कर दीजिए, और अच्छे समझते हैं, इतनी डिस्टेंस करिए दो जीन्स के बीच में, या इतनी डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच में कि केवल 1% ही रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलेगा इस केस में, बड़ा कम केस। इस केस में मान लेते हैं ये जो एरो कट आया वो परसेंट है, इमेजिन कर लो, इमेजिन करके ही तो सब कुछ समझ लिए हम लोग जीवन में, है ना। तो इमेजिन करते मान लेते यहाँ पर केवल यही केस तो देखने को मिला, तो कितना है मैप डिस्टेंस? वन। इस केस में 1, 2, 3, कितना है मैप डिस्टेंस? 3। तो 3 मैप डिस्टेंस है तो मतलब इनमें क्या है? 3% रिकॉम्बिनेंट देखने के चांसेस है। इसमें कितना है? इसमें थोड़ा और बना लेते हैं, अच्छा लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है मैप डिस्टेंस, तो मतलब 8% रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग 60 कर देते हैं, 60 मैप यूनिट पॉसिबल है? नहीं है, 60 मैप यूनिट पॉसिबल नहीं है। क्लियर, 60 मैप यूनिट पॉसिबल नहीं है, मतलब 60% रिकॉम्बिनेंट बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर, क्यों? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर एक्सचेंज हो सकता है, मैक्सिमम पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही एक्सचेंज हो जाए, सब बता रखा है आपको हमने। अच्छा, अब आगे क्या बता रहा है कि मैप डिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया कि 1% रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनेंगे या रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे। ठीक, अच्छा, वन मैप यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, वन मैप यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, वन मैप यूनिट, ये सब पूरा कंसेप्ट मॉर्गन ने दिया, मॉर्गन साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया, तो उनके ही सम्मान में बोला गया कि वन मैप यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जेनेटिक्स में, पेडिग्री एनालिसिस और ये टॉपिक जो लिंकेज मैपिंग है, इससे क्वेश्चंस आना ही आना है, हर साल आते हैं। मतलब अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी आप लोग बना के चलोगे तो कुछ टॉपिक्स तो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हर साल रिपीट होते हैं, मतलब वो लगभग 40 मार्क्स तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ के ही गेन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ मार्क्स रह जाते हैं, कुछ आप फर्स्ट सेक्शन से गेन कर सकते हो। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आप डीप स्टडी करिए तो आप 110 के आसपास पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बोल क्या है? डिस्टेंस दैट ही हो गया, वन मैप यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, और 1 सेंटी का मतलब हमेशा होता है सेंटीमीटर, कभी जीवन में सुने होंगे, वो सेंटी नहीं है। ठीक है, वो वाला सेंटी नहीं है, सेंटीमीटर वाला सेंटी है। तो ये कितना है? 100 मॉर्गन। कितना सेंटी मतलब 100 मॉर्गन। 100 मॉर्गन का मतलब क्या है? 1% रिकॉम्बिनेंट, 1% रिकॉम्बिनेंट। बैक्टीरिया के केस में इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि यूकैरियोट में तो सेंटीमॉर्गन बोल दिया, बैक्टीरिया में क्या बोलेंगे? तो बैक्टीरिया में मिनट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो इंटरप्टेड जीन मैपिंग पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, मिनट बोलेंगे। मैप डिस्टेंस आर एडिटिव, मैप डिस्टेंस कैसी होती है? एडिटिव होती है। क्या कह रहे हैं? मैप डिस्टेंस आर एडिटिव। मैप डिस्टेंस एडिटिव क्या है? मान लेते हैं कि कहीं पर लिखा गया है कि कोई एक जीन है एक्स वाई, ठीक है, एलील्स जीन, कंफ्यूज मत होना, बेसिक्स जेनेटिक्स की हमने पूरी अपलोड कर रखी है, क्या होते हैं एलील्स, क्या होते हैं जीन्स, क्या होते हैं होमोलॉगस, क्या होते हैं हेट्रोलॉगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इस तरीके की सारी बेसिक्स को हमने क्लियर करा है। तो वीडियो नंबर 1 जेनेटिक्स की शुरू करें। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री वाली जो सीरीज है बहुत अच्छी रन कर रही है, बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, उसको भी वीडियो नंबर 1 से देखें। नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले मेरे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहां पर मेरे खुद के बने हुए नोट्स
आपको मिल जाएंगे, लेकिन वही नोट्स मिलेंगे जिनको मैंने पढ़ा रखा है पहले से, ठीक है। या जो कोचिंग के नोट्स हैं अलग अलग कोचिंग के, वो भी कुछ अवेलेबल है, वो मिल जाएंगे। रिफरेंस बुक्स मिल जाएंगी पीडीएफ, जो है वो है ही है, जो नहीं है उनको भी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैप डिस्टेंस आर एडिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है, ध्यान देते हैं। मैप डिस्टेंस क्या होती है? एडिटिव होती है। मान लेते हैं कि एक्स वाई के बीच की कहीं लिखा हुआ है कि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस क्या है, 20 है। एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, खुश। और एक्स और जेड के बीच की डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर अब अगर हम लोग देखें तो यहां पर वाई और जेड की डिस्टेंस भी पता करी जा सकती है। कैसे पता करी जा सकती है, सोचो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सोचे भैया क्या होगी वाई और जेड के बीच की डिस्टेंस। तो आपके मन में अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया तो दो बातें आएंगी कि सर ऐसा हो सकता है कि एक्स और जेड के बीच की डिस्टेंस या एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस 20 है और इसी के बीच में कहीं जेड हो, तो ये कुल डिस्टेंस तो 20 है। क्या पता कर रहे हैं हम लोग, एक्स और जेड के बीच की, सॉरी वाई और जेड के बीच की डिस्टेंस, वाई और जेड के बीच की डिस्टेंस, वाई और जेड के बीच की डिस्टेंस, वाई और जेड के बीच की डिस्टेंस पता कर रहे हैं। तो हो सकता है जेड इन दोनों के बीच में पाया जाता हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में पाया जाता हो। तो अगर इन दोनों के बीच में पाया जाता होगा तो ये अगर 20 और इनके इनके बीच की डिस्टेंस 10 है तो इनके इनके बीच की डिस्टेंस भी 10 हो गई। हाँ भाई, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक तरीका और भी तो हो सकता है। एक तरीका और ये भी हो सकता है कि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन हो सकता है कि जो जेड है वो इधर पाया जाता हो। जेड कहाँ हो? इधर हो, इधर हो, ठीक है, इसके इधर हो। कहां पर हो? अप स्ट्रीम हो, ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है, अप स्ट्रीम हो। तो अब और एक्स और वाई और जेड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? अब हो गई 30। तो ये हमने कैसे बताया? ये ऐड या सब्सट्रैक्ट करके बताया, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस 20 हो और जेड जो है यहां पाया जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो दो बातें पता चली, हो क्या सकता है और क्या नहीं हो सकता, दोनों बातें पता चल गई, ठीक है। अब बात आ रही कि हो सकता तो है, होगा क्या? हो सकता तो ये है, लेकिन होगा क्या? तो होगा क्या, इसके लिए हमें फिनोमिना पता होने चाहिए कुछ, कि जो पेरेंटल जीन सीक्वेंस है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर के कारण जो जीन सीक्वेंस है वो क्या है, और डबल क्रॉस ओवर के कारण जो जीन सीक्वेंस है वो क्या है। और हमको ये सब कुछ नहीं पता चल सकता है कि पेरेंटल क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है और डबल क्रॉस ओवर क्या है। हमें पता चल जा सकता है, हमें केवल पता चल सकता है फिनोटिपिक इफेक्ट, जो फिनोटाइप है वो पता चलेगा। और हमने बोला कि लिंकेज होने के चांसेस 50% से ज्यादा होंगे, तो जो पेरेंटल आएंगे जो सबसे ज्यादा होंगे, या पेरेंटल छोड़ो, मान लेते हैं कि 1000 या 100 इंडिविजुअल्स बने, तो उनमें जो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन 200 हो रहे होंगे वो पेरेंटल होंगे, ठीक है। कितने होंगे? ज्यादा, ज्यादा कितने? मोर देन 50%, 50% से ज्यादा। क्रॉसिंग ओवर, मैंने बोला 50% से कम, तो लेस देन 50% क्रॉसिंग ओवर, लेस देन 50% जो होंगे फिनोटाइप्स वो क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे होंगे। जीन्स को इमेजिन करना होता है, जीन्स का जो एब्रीविएशन है एक्स वाई जेड और ई जी, जो भी नाम रखना है, जो मन हो वो आप रख लो, वो तो इमेजिनरी है। हमें मेन मुद्दा है डिस्टेंस बताना है, हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्टर है, किस कारण आंखों का कलर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चेंज हो रहा है, ऐसे सोचो, ठीक है। कुछ अभी और अपने इन सब टॉपिक को, जेनेटिक्स बहुत ईजी होती है,
और इतनी इजी होती है कि इनको ज्यादा एग्जाम के टाइम में रिवाइज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, एक बार रिवीजन करा, एग्जाम दे दिया। लेकिन जो मुझे लगता था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है या सेल बायोलॉजी क्या है, उसको ज्यादा रिवाइज करना पड़ता है, ज्यादा टाइम टेकिंग है। जेनेटिक्स 1 दिन, इकोलॉजी 1 दिन, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री 1 दिन से भी कम, डेवलपमेंट बायोलॉजी 1 दिन से भी कम, सेल बायोलॉजी 4 दिन, 5 दिन चाहिए हमें रिवीजन के लिए, मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 3 से 4 दिन चाहिए, तो हमको इनमें बड़ा आसान लगता है क्योंकि सब कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, सबका क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल है, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया 50% से कम। और डबल क्रॉस ओवर क्या हुआ, हमने बोला क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस तो बहुत कम है, तो डबल क्रॉस ओवर, दो दो बार क्रॉसिंग ओवर हो जाए तब तो बहुत ही ज्यादा कम है। दो दो बार अगर हो जाए तब तो बहुत ज्यादा कम चांस है। तो मतलब कितना मान लेते हैं क्रॉसिंग ओवर से, या वेरी फ्यू, बहुत कम है ना, बहुत कम देखने को मिलेंगे, मतलब 100 में 2-3 ऐसे केस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, तो हमने हो सकते के कारण ये हो सकते हैं, एग्जैक्टली होंगे क्या, उसके लिए हमें पैरेंटल पता होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर पता होना चाहिए, डबल क्रॉस ओवर पता होना चाहिए। अच्छा एक बात जान लो, डबल क्रॉस ओवर कब पता होना चाहिए, जब हम लोग 3 एलील्स को एनालाइज कर रहे हो, 3 एलील्स, इसके हम लोग पढ़ेंगे 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, है ना, यहाँ पे डबल क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा फिनोमेना, और इसमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे डबल क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, सब बेसिक जानेंगे, वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही लेकिन एक एक चीज जानते चले जाएंगे। अच्छा, अब क्रॉसिंग ओवर वो कारण है जिसके कारण हम सब में वेरिएबिलिटी है। इवन आप ये भी कह सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर के कारण कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी आगे हो गई। भाई कोई गोरा है, कोई कम गोरा है, कोई ज्यादा काला है, कोई के बाल लंबे है, कोई के बाल कर्ली है, ये सब ड्रामा चल रहा है, ये सब किसके कारण हुआ है, ये सब जेनेटिक वेरिएबिलिटी के कारण हुआ है, ये सब क्रॉसिंग ओवर के कारण हुआ है। अगर सब एक ही जैसे होते तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो भाई नहीं चलने वाली थी, बात समझ आ रहा है ना, तो सब एक ही जैसे नहीं है, उसका कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक, अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे लिंकेज मैपिंग को करेंगे, और ये क्रॉस ओवर 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के थ्रू कैसे हम लोग लिंकेज 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के थ्रू कैसे हम लोग डिस्टेंस बताएंगे, और क्या क्या ड्रॉबैक्स रह गए जिसके कारण हमें फिर 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस पढ़ना पड़ा, तो उसको जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग लिंकेज मैपिंग बाय 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। तो 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से हम लोग कैसे लिंकेज मैपिंग करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझ में आता जा रहा है। ठीक है, तो टू लिंकेज मैपिंग पता है 2 पॉइंट क्या होता है, जानना है हम लोगों को, और टेस्ट क्रॉस भी आप लोगों को पता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन का रिसेसिव एलील से या रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने कराने से क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार मन में सोचो कि टेस्ट क्रॉस कराते क्यों है, क्यों कराया गया टेस्ट क्रॉस। ठीक, तो चलिए इससे हट के पहले हम लोग देखते हैं टेस्ट क्रॉस कराया क्यों गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कहीं पर है कैपिटल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, इन दोनों से मान लेते हैं कि ये था रेड और ये था व्हाइट। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर बना, कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। अच्छा रेड दिखेगा, तो रेड तो ये भी दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में अंतर है, ये होमोजाइगस और ये हेटरोजाइगस कंडीशन है। हमको कैसे पता चले कि ये होमोजाइगस होगा या हेटरोजाइगस होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कोई एक इंडिविजुअल है, वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, कैसे पता चलेगा, तो पता चलने के लिए हमने क्या कराया, इसका टेस्ट क्रॉस कराया, जो रेसेसिव पेरेंट है उसको फिर से क्रॉस करा दिया। रेसेसिव पेरेंट का फिर से, रेसेसिव पेरेंट हमें पता होना चाहिए, हमें प्योर होमोजाइगस, हमारे पास एक प्योर रेसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल होना चाहिए, हमने उससे क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने पे हम लोगों ने पनेट स्क्वायर में क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस के बेस पे ही अभी 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस आएगा। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको फंसाएगा वो, इसलिए पता होना चाहिए टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जा रहा है। हुआ क्या,
कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ पर हुआ क्या, फिनोटिपिक रेशियो 1:1 का आया, फिनोटिपिक रेशियो 1:1 का आया। अच्छा, जब ये हेट्रोजाइगस हुआ तब, क्योंकि हमें सिर्फ जो दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप ही पता चलेगा, हमारा जीनोटाइप क्या है, हमारे अंदर की जेनेटिक रीडिंग है क्या है, वो हमें नहीं पता चलेगा। उसके लिए बड़ी हाई लेवल की टेक्निक्स चाहिए, सिक्वेंसिंग कराइए। पहले तो सिक्वेंसिंग चलती नहीं थी, टेस्ट क्रॉस आज का थोड़ी नहीं है, मेंडल्स रूल आज के थोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जैसा कंसेप्ट बता दिया था, तो कैसे में किस बेस पे बताया, टेस्ट क्रॉस के बेस पे बताया, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर मान लेते हैं कि ये होमोजाइगस होता और डोमिनेंट होता इसकी जगह, तो क्या होता, मान लेते हैं कि कोई रेड दिख रहा है लेकिन होमोजाइगस है, तो इसका आप टेस्ट क्रॉस करा दो, तो इसका टेस्ट क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, हर जगह पर एक एलील इसका और एक एलील इसका, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां पर क्या दिखता, 100% रेड, 100% रेड होता। और यहां पर कितना होगा, 50% रेड। तो रेड कितना दिख रहा है वो पता कैसे चला हमें, टेस्ट क्रॉस करा के। अगर 50% रेड है तो वो क्या होगा, होमोजाइगस रेड, और अगर हेट्रोजाइगस रेड, और अगर 100% रेड दिख रहा है तो वो क्या होगा, होमोजाइगस रेड। चलिए भैया ये बात तो ठीक हो गई। अब हम लोग को जानना है कि टू पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस तो समझ में आ गया क्या होता है और क्यों होता है, क्यों होता है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है, या होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब इतनी बात तो समझ में आ गई, टू पॉइंट, अब समझते हैं टू पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टू पॉइंट क्या होता है, टू पॉइंट मतलब दो एलील्स, दो एलील्स, टू एलील्स, दो एलील्स के बीच के, या दो जीन्स के एलील्स के बीच के, ध्यान से सुनना, दो जीन्स के एलील्स के बीच के सेग्रीगेशन होने की फ्रीक्वेंसी के थ्रू, क्या बताया, दो जीन्स ऐसे, कैपिटल ए कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इनके एलील्स हैं कैपिटल ए कैपिटल, सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, इनके बीच में सेग्रीगेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर होने की फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम लोग डिस्टेंस बताएं, ठीक है। तो इनके बीच में सेग्रीगेशन होने की फ्रीक्वेंसी, सेग्रीगेशन होने की फ्रीक्वेंसी को मेजर करके हम लोग डिस्टेंस बता दें, तो चलिए इसी का ही यूज कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो पहले तो F1 जनरेशन लाओ, F1 जनरेशन लाई गई तो कैसा बना, कुछ ये बना कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा वाला स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब हुआ क्या, ये भैया पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, और इनका हमने क्या क्रॉस कराया, इनका क्रॉस करा दिया रेसेसिव से, रेसेसिव ये है ना, ये डोमिनेंट है, रेसेसिव से क्रॉस कराइए भैया। तो जब हमने इनका रेसेसिव से क्रॉस कराया तो बना क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर देखते क्या क्या बन सकता है, तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, हो सकता है एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये दोनों साथ साथ आ जाए, तो क्या हुआ, कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा वाला स्मॉल ए स्मॉल बी। हो सकता है एक स्ट्रैंड इसका और एक स्ट्रैंड इसका है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। चलिए दो कॉम्बिनेशन और हो सकते हैं, अगर सेग्रीगेशन हो जाए, क्या हो जाए, यहां पे सेग्रीगेशन नहीं हुआ, यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी साथ साथ रहे, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी साथ साथ रहे,
स्मॉल भी साथ साथ रहे, स्मॉल भी साथ साथ रहे, लेकिन अगर सेग्रीगेशन हो जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि एक स्ट्रैंड इसका पूरा आया, क्या आया, स्मॉल ए, सॉरी, एक स्ट्रैंड इसका पूरा आया, क्या आया, स्मॉल ए स्मॉल बी, और हुआ क्या, सेग्रीगेशन के थ्रू स्मॉल कैपिटल ए तो रहा, लेकिन कैपिटल बी साथ साथ नहीं रह पाया, कैपिटल बी हो गया सेपरेट, कैपिटल बी हो गया जुदा, अलग हो गया, ठीक है। चलिए भाई, दूसरी चीज क्या हुआ, दूसरा हो सकता है कि स्मॉल ए तो रहे, स्मॉल ए स्मॉल बी तो रहे, लेकिन जो कैपिटल बी है वो हो गया सेपरेट, और किसके साथ रिकम्बाइन करा, स्मॉल ए के साथ। तो ये देखो, ये कैसा दिखेगा, ये पेरेंट की तरह दिखेगा, क्योंकि यहां पे डोमिनेंट एलील है, तो दिखेगा कैसा, पेरेंट की तरह, ये कैसा दिखेगा, पेरेंट की तरह। तो ये दोनों जो कंसेप्ट आए, ये आए पेरेंटल, और ये कैसा आया, क्रॉसओवर। अभी पहले बता रहे थे तीन फिनोमेना बोले थे, पेरेंटल, क्रॉसओवर और डबल क्रॉसओवर, लेकिन डबल क्रॉसओवर 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में नहीं देखने को मिलेगा, उसके लिए हमें 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, पहुंच रहे धीरे धीरे, वीडियो लेंदी है, लेकिन वीडियो आपके टॉपिक को फिनिश भी करेगी, तो बड़ा ध्यान से बड़े मजे से पढ़ते रहिए, ठीक है, दो तीन बार सुनिए, शेयर करिए लोगों को। चलिए भाई, तो ये हुआ यहाँ पर क्या, क्रॉसओवर, और यहाँ पर भी क्या हुआ, क्रॉसओवर। तो यहाँ पर चार तरह के जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, फिनोटाइप भी चार तरीके के, और जीनोटाइप भी चार तरीके के। फिनोटाइप क्या, रिसेसिव फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप, क्रॉसओवर फिनोटाइप, क्रॉसओवर फिनोटाइप, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह के दिखेंगे, ठीक है। कैरेक्टर क्या है कि वो इमेजिन कर लेंगे, अभी आगे चल के धीरे धीरे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या करना है तो कर सकते हो। कैपिटल ए को हम लोग बोल सकते हैं दो अलग अलग जीन है, तो दो अलग अलग जीन है, मान लेते हैं ये ब्लैक या रेड विंग्स, कुछ भी मान लो, रेड विंग्स हो गए, और आई का कलर ब्लू मान लो, ठीक है, यहां पर आई का कलर ब्लैक मान लो रिसेसिव में, और यहां पर विंग्स जो है वो व्हाइट हो गए, बस ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, तो ये इसके लिए है। तो ये कैसे दिखेंगे, ये दिखेंगे व्हाइट विंग्स ब्लैक आई, ये कैसे दिखेंगे, यहां पर दोनों है, तो रेड विंग्स ब्लू आई, ये रिकॉम्बाइन कर गया, नया कॉम्बिनेशन क्या, ये रेड विंग, ध्यान दीजिए भैया, रेड विंग, क्योंकि ए डोमिनेट पाया जा रहा है, रेड विंग देखने को मिला, और सॉरी यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्योंकि यहां पे रेड था तो यहां पर स्मॉल भी होना चाहिए, ठीक है, और ब्लैक आई जो पैरेंट में देखने को नहीं मिल रहा है, ब्लैक आई, क्लियर। यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पर क्या देखने को मिला, कैपिटल ए तो है नहीं, स्मॉल ए है, तो व्हाइट विंग, और ये क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल बी है तो कैसा हो रहा, ब्लू आई, बोलो भैया, तो ये क्या हो गया, ये क्रॉसिंग ओवर के कारण हुआ, इतना समझे। चलिए भाई, क्रॉसिंग ओवर समझाया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले, तो चलिए उसके लिए कुछ डेटा भी मान लेते हैं कि 100 इंडिविजुअल्स हमको मिले, कितने मिले, 100 इंडिविजुअल्स मिले, ये जो थे ये मिल गए हमको 40, ठीक है, जितने ज्यादा इंडिविजुअल्स होंगे उतना एरर होने के चांसेस कम होते हैं, ध्यान रखना, जितने ज्यादा डेटा होगा एरर उतना कम, ठीक है। चलिए दूसरा, ये हमें कितने मिले, ये भी हमको मिल गए 45, ये कितने मिले, ये वाले रेड विंग और ब्लैक आई, ये मिले, ये कितने मिले, ये मिले 40, ये कितने मिले, ये मिले 45, ठीक है, ये कितने मिले, ये मिल रहे हमको 12, या इतना अंतर ना रखते हैं, ये मिल गया आपको 7, और ये कितने मिल गया, ये मिल गया 8, तो 7 और 8, इतने 7 हो गए और 8 हो गए,
तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, तो क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, तो टोटल कितने थे 100 और क्रॉस ओवर कितने हो गए 15, टोटल थे 100 और क्रॉस ओवर हुए 15, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 0.15। कितनी आ गई 0.15। परसेंटेज कितना है 15%, कितना है 15%। डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, बात समझ में सब आ रही ना। तो इस तरह से 2 पॉइंट क्रॉस तो बता दिया, लेकिन अगर 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस हो या क्या दिक्कत आई, यहां पर दिक्कत यह आई कि ये डबल क्रॉसओवर वाला कंडीशन नहीं बता पा रहा था। तो डबल क्रॉसओवर वाला कंडीशन बता नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर रिज्यूम करना भी बड़ा मुश्किल है। और एक बात ध्यान रखना कि ये टॉपिक जो है ये सिर्फ आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, खूब ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से। ठीक है, तो खूब ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस है। तो हम लोग अब आगे का टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं लिंकेज मैपिंग बाय 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। तो अब आया पूरा बेसिक्स पढ़ने के बाद में मेन टॉपिक। ठीक है, तो यहां से हम लोग टॉपिक जो बोल सकते हो इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो वो टॉपिक इसके जो शुरुआत था उनके लिए था जिनको बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं आता है या जिनको थोड़ा बहुत आता भी है, ठीक है, उनके लिए ये था। अब हम लोग शुरू करते हैं 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो पहले से पता है लिंकेज में लिंकेज क्या होती है बताया, मैपिंग क्या होती है बताया। तो कोई जेनेटिक्स जैसे टॉपिक को पढ़ने का यही तरीका है कि वर्ड्स का मतलब पता हो। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो भी अभी पता चल गया, क्यों होता है वो भी पता चल गया। 3 पॉइंट क्या होता है, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जैसे 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस होता था कि वहां पर केवल 2 पेयर्स ऑफ एलील्स के बीच में सेग्रीगेशन देखा जाता था, लेकिन यहां पर 3 पेयर्स ऑफ एलील्स के बीच में सेग्रीगेशन देखा जाता है। मान लेते हैं कि कोई एलील है बी और सी सी। ठीक है, और जब क्रॉस हुआ इनका किससे, ए प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस C+, C+, ऐसे कुछ इनसे जब क्रॉस हुआ तो इनमें क्या सेग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, इसको चाहो तो मोनोहाइब्रिड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सिंगल गैमेटिक फॉर्म में लिख सकते हो, जायगोटिक फॉर्म में। गैमेटिक फॉर्म में लिखोगे तो ABC और A+, B+, C+ ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो एलील्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर जब एक ही एक सिंगल सिंगल सेपरेट हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गैमेटिक फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इनके बीच में एलील्स का सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है, मतलब जो नेक्स्ट प्रोजनी आ रही है वो कैसी आ रही है, नेक्स्ट प्रोजनी जो आ रही है वो कैसी आ रही है, वो कैसी आ रही है, वो ABC आ रही है या A+, B+, C+ आ रही है या A+, B+, C+ आ रही है या A+, B+, C+ आ रही है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। या और क्या हो सकता है, और भी हो सकता है, हो सकता है A+, B+, C आ रहा हो या A+, B+, C आ रहा हो, इस तरह के कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अब हमको ध्यान देना है। ठीक है, चलो इनको एक एक सिंगल सिंगल लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, गैमेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यह हमें बताता है कि एलील्स का सेग्रीगेशन, थ्री पेयर ऑफ एलील्स का सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है, ये वो बतलाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें जीन ऑर्डर भी पता चलता है, यहाँ पे हमें जीन ऑर्डर पता चलता है। कैसे पता चलेगा, नीचे रूल्स लिखे हुए, अभी उनको ना पढ़िए, ठीक है, अभी समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा जब तक साथ में क्वेश्चन लिख करके उसके पैरेलल रूल्स पढ़ेंगे, बड़ा अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जीन ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड हियर, यहाँ पे हम लोग जीन ऑर्डर पता कर सकते हैं कि यह ABC है, उसका जीन ऑर्डर है क्या, वो क्या ABC है, जीन ऑर्डर क्या हो सकता है, यहाँ पे उसका जीन ऑर्डर क्या है, वो क्या वो ABC है या CAB है या AC भी है, क्या है जीन ऑर्डर उसका, वो पता चलेगा। प्लस इस केस में डबल क्रॉस ओवर रिकॉग्नाइजेबल है, इस केस में हम लोग डबल क्रॉस ओवर को पता कर सकते हैं। चलिए,
चलिए अब हम लोग एक बार डबल क्रॉस ओवर वाले कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो डबल क्रॉस ओवर वाले कंसेप्ट को यहीं पे समझ लेते हैं इसी वाले केस में, ठीक है। कुछ और अच्छे से काम करके कलर डिफरेंशिएशन करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस कर देते हैं। जीन ऑर्डर अभी नहीं जानते हैं, जीन ऑर्डर कब जानेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया एक अलग स्टैंड, ये हो गया एक अलग स्टैंड, इनके इनके में क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर होने से क्या बना ये सब बताओ। चलिए भैया देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या हुआ, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर आ गया, यही तो होता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्या बनेगा, बनेगा ए सी, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, बी। अभी बन नहीं पाया है, बनने दो, थोड़ा सब्र करो भाई। क्या बनेगा, बी प्लस, और नीचे क्या बनेगा, सी ए प्लस बी प्लस। अब ठीक है, हुआ क्या, इनके इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रैंड लेकर चल रहा है तो दोनों स्ट्रैंड ले लो, दोनों स्ट्रैंड ले लो भाई, दोनों स्ट्रैंड ले लो ए बी सी, ठीक। नीचे में एक स्ट्रैंड ले लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस, क्रॉसिंग ओवर हुआ, इनके इनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हुआ, ये वाला इधर की ओर मूव किया और ये वाला इधर की ओर मूव किया। वो डायग्राम बनाया जाता है बड़ा अच्छा सा, कोई जरूरत नहीं उतना ड्रामा करने की, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण कुछ ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला, चलिए वो ड्रामा कर ही लेते हैं। क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला, ऊपर वाले स्टैंड में तो क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं क्योंकि 50% से ज्यादा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाला तो जैसे का तैसे रहा, क्या रहा, ए बी सी। अच्छा प्लस क्या है, प्लस डोमिनेंट को बता रहा है, जहां पे प्लस नहीं है वो रिसेसिव बता रहा है, ठीक है। ये डोमिनेंट है, वो नीचे वाले क्या है, रिसेसिव है। और ये क्या है, लिख लेते हैं पहले फिर बताते हैं जल्दी से। ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। चलिए मैंने पहले बताया कि इनके इनके बीच में एक छेद हो गया, इनके और इनके बीच में, ये वाला महाराज जो था और ये वाला जो महाराज था, ये वाला उठ के यहां पहुंचा तो ये क्या बना दिया, बी प्लस, और ये वाला आया यहां पर, ये क्या बना दिया, ए, ठीक है। तो ये एक अलग बना, ये एक अलग बना, ये तो हुआ क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर, ठीक है। अब अगर एक बार फिर से यहीं पर क्रॉस ओवर करा दो तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये इधर से इधर आ जाएगा और ये इधर से इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला सेगमेंट इधर से मूव करके और ये वाला सेगमेंट मूव करके इधर से इधर, मतलब ए फिर से इधर आ जाएगा, सॉरी वहां पे बी लिखना था, बी फिर से इधर आ जाएगा, और ऊपर वाला जो बी प्लस था वहां पे बी लिखना था, ठीक है। ऊपर वाला जो बी प्लस था वो नीचे आ जाएगा, ये देखिए। तो हुआ क्या डबल क्रॉस ओवर के केस में, जब डबल क्रॉस ओवर हुआ तो रिकॉग्नाइजेबल नहीं था, क्यों, क्योंकि यहां पे डबल क्रॉस ओवर हो गया लेकिन दिख कैसा रहा है, बिल्कुल पेरेंट की तरह ही दिख रहा है, तो रिकॉग्नाइजेबल नहीं था, क्लियर। तो रिकॉग्नाइजेबल नहीं था तो कैसे पता चलेगा, तो पता कुछ ऐसे चलेगा कि इनका नंबर बहुत कम होगा, मैंने बोला क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो डबल क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस और भी कम, मतलब 1000 में मान लेते 30-40 क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, 30-40 क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, तो डबल क्रॉस ओवर 2-3 ऐसे कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जीन ऑर्डर का भी डिटरमाइन करेंगे, डबल क्रॉस ओवर डिटरमाइन करेंगे। चलिए भाई कैसे करेंगे, तो एक सुंदर सा न्यूमेरिकल लेते हैं, सुंदर सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें प्रीवियस, क्योंकि वीडियो हम देख रहे हैं 1 घंटे से ऊपर जा चुकी है अब, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, अलग अलग क्या डेटा दिया गया हुआ है, कि कोई F1 जनरेशन नॉर्मल कोई पेरेंट रहा होगा,
उसका F1 क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन आई, सॉरी F1 जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस हुआ, टेस्ट क्रॉस हुआ, और टेस्ट क्रॉस से हमको F2 जनरेशन मिली, जिसमें F2 जनरेशन में अलग अलग क्लास था, क्लास 8 तक दिया गया है। क्लास जो थी वो फिनोटाइप के बेस पे थी, ये अलग अलग फिनोटाइप दिए गए हुए हैं, उनका जीनोटाइप दिया हुआ है, और वो कितने केसेस देखने को मिले, मतलब जैसे कि मान लेते हैं वाइल्ड टाइप देखने को मिले 1207, स्क्यूट एकाइनस क्रॉस विलनेस कितना देखने को मिला 1158, ठीक है। तो ऐसा कुछ डेटा दिया गया होगा, तो इस टाइप का डेटा दिया होगा, या तो ऐसा डायरेक्ट आपको टेबल के फॉर्म में डेटा मिल जाएगा, या तो लैंग्वेज दिया गया होगा कि ऐसा इतने में इतने केस देखने को मिले, उनका जो जीरो टाइप है ऐसा है, फिर स्क्यूट एकाइनस टाइप का जीरो टाइप ऐसा है, कुछ भी दे सकते हैं। ये एक्चुअली में ड्रोसोफिला का दिया गया हुआ है, तो ड्रोसोफिला का दिया गया है, यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है कि जीन ऑर्डर बताइए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताइए, क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पता होगी तो मैप डिस्टेंस वगैरह भी आप निकाल सकते हो, तो इन सब चीजों को पूछा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी का है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसओवर, क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए रूल्स हम लोग को पढ़ना होगा। पहले रूल्स दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द पेरेंटल प्रोजनी, सबसे पहले हम लोगों को पेरेंटल प्रोजनी को आइडेंटिफाई करना है, जो पेरेंटल प्रोजनी है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने बताया था आपको कि पेरेंटल प्रोजनी क्या होती है, बताया गया था कि पेरेंटल प्रोजनी वो होगी जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पेरेंटल प्रोजनी जो आएगी वो पेरेंट के जैसे जीरो टाइप शो करेगी, और पेरेंट के जैसे जीरो टाइप तभी शो कर सकती है जब लिंकेज हो रहा हो, और लिंकेज हमेशा 50% से ज्यादा होगा, तो 50% से ज्यादा का मतलब क्या होगा, हमेशा सबसे ज्यादा नंबर्स में वही शो करेगा, ठीक। तो जो मैक्सिमम है वो क्या होंगे, पेरेंट्स, तो पेरेंट्स कौन से हो गए, 1158 और ये दोनों हो गए पेरेंटल, कैसे हो गए, बात समझ में आ गई होगी, जो मैक्सिमम है वही पेरेंटल है। दूसरी चीज क्या है, आइडेंटिफाई द पेरेंटल प्रोजनी एंड अलाउ देम टू डिटरमाइन वेदर एलील्स ऑफ ईच पेयर्स ऑफ जीन्स आर सिस और ट्रांस, ठीक है, जीन्स जो है वो सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में, इसको जरा पता कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पेरेंटल जो है वो क्या दिया हुआ है, SC, EC और CV, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है SC+EC+CV+, ठीक है, दो पेरेंट है, ध्यान देना सिस और ट्रांस क्या होता है, जब किसी क्रोमोसोम पर सेम टाइप के एलील्स पाए जा रहे हो, ठीक है, दो जीन्स के सेम टाइप के एलील पाए जा रहे हो, सेम टाइप के एलील का मतलब क्या हो रहा है, अगर डोमिनेंट एलील है तो डोमिनेंट हो, और अगर रिसेसिव एलील हो तो सिर्फ रिसेसिव हो, तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म, सिस मतलब सेम। तो ये दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट सॉरी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, मतलब जहां पे प्लस लगा हुआ है उसको डोमिनेंट मान लिया गया है, जहां पे नहीं लगा हुआ है उसको रिसेसिव मान लिया गया है। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों हो गए भैया रिसेसिव, ये दोनों कैसे हो गए, अगर इन दोनों का कंपेयर करो तो रिसेसिव, और अगर SC और CV का कंपेयर करो तो रिसेसिव। तो तीनों जीन्स यहां पर एक दूसरे के लिए सिस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ठीक। चलिए इन दोनों का आपस में कंपेयर किया गया तो दोनों दोनों डोमिनेंट है मतलब सिस, EC प्लस और CV प्लस दोनों डोमिनेंट मतलब सिस, और SC प्लस और CV प्लस दोनों डोमिनेंट मतलब सिस। तो यहां पर देखा जाए तो पेरेंट्स किस फॉर्म में है, पेरेंट पाए जा रहे हैं सिस फॉर्म में, ठीक है। अब हमें पता करना है आइडेंटिफाई द डबल क्रॉसओवर, ठीक है, अभी ट्रांस क्या होता है बताया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। अब ट्रांस, ट्रांस क्या है, मान लेते हैं कि एक को जीनोटाइप आता EC+ और CV, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में सिस है, तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों सिस है तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों आपस में सिस है तो कैसे, सॉरी ये दोनों बोल सकते हो रिसेसिव है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सिस फॉर्म में हो गए। लेकिन इन दोनों का क्या है, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, तो ये ट्रांस है, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव तो ट्रांस है, तो ये दोनों ट्रांस है और ये सिस है, ठीक है,
उम्मीद है सिस ट्रांस वाली बात समझ में आ गई। तो पैरेट्स कैसे है, सिस है, ठीक है। चलिए दूसरा डबल क्रॉसओवर, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रॉसओवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और डबल क्रॉसओवर होने के चांसेस उससे भी बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं जीरो टाइप, तो डबल क्रॉसओवर होने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाएंगे। तो सबसे कम जो आ रही होगी रीडिंग वो डबल क्रॉसओवर होगी। तो सबसे कम रीडिंग आ रही है तो ये दोनों डबल क्रॉसओवर हो गए। तो पहली बात हमें रूल पता चल गया, दूसरा पता चल गया, तीसरा क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो रहा है आपका क्या, थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस के थ्रू लिंकेज मैपिंग करने का। तो सबसे पहले सीक्वेंस आपको पता करना है, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ जी बाय कंपेयरिंग डबल क्रॉसओवर। जो डबल क्रॉसओवर है उसको हम लोग जो पेरेंट है उनसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जरा कंपेयर करते हैं, तो डबल क्रॉसओवर कौन कौन से आ रहे हैं, एक कोई डबल क्रॉसओवर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एस सी ई सी प्लस और सी बी, ठीक है, उधर भी कोई भी ले सकते हो, मान लेते हैं एस सी ई सी और सी बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। अब जरा कंपेयर करो चेंज कहां पे आ रहा है, जो चेंज आ रहा होगा, जो चेंज आ रहा होगा उसको बीच में रखना है, बहुत आसान तरीका, सिंपल ट्रिक। जो चेंज है ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये चेंज है, तो वो बीच में रहेगा, मतलब कौन बीच में रहेगा, ईसी बीच में रहेगा, ईसी बीच में रहेगा। तो अगर यहां पे क्रॉस हो, सॉरी सीक्वेंस देखा जाए तो ईसी बीच में होगा, वो ईसी प्लस भी हो सकता है, वो ईसी रिसेसिव फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ईसी बीच में रहेगा, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस कुछ भी हो सकता था, सीक्वेंस हो सकता था एस सी ई सी सी वी या एस सी सी वी ई सी भी हो सकता था, हो सकता है ऐसा लिखा भी ले, क्वेश्चन अभी आएंगे, अभी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कई क्वेश्चन करेंगे उसमें लिखा तो ऐसा होगा लेकिन सीक्वेंस कुछ और आएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन पूछे जाते हैं उसमें, आधा मतलब क्वेश्चन का आधा सेक्शन तो इसी सीक्वेंस के बेस पे ही क्लियर होता है, ठीक है, हो सकता है सीक्वेंस ये आ जाए या और भी आप इसमें सफलिंग करके अलग अलग वेरिएशन देख सकते हो, ठीक है। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस निकालना है तब क्या करेंगे, डबल क्रॉसओवर का पेरेंट से कंपेयर करेंगे, पेरेंट में जो सेम रहेगा वो साइड में रहेगा और जो चेंज आएगा वो बीच में रहेगा, बस। तो ये सेम है, ये सेम है और ये चेंज है। चलिए दूसरे करके देख लो, दूसरा कर लो, एस सी प्लस ई सी सी वी प्लस, ठीक है, उधर क्या आया, एस सी प्लस ई सी प्लस सी वी प्लस, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये चेंज आया, जो चेंज आया वो बीच में रहेगा। चेंज बीच में क्यों रहेगा, क्योंकि क्रॉस ओवर बीच वाले जीन का होता है, ठीक है, साइड में नहीं, बीच में क्रॉस ओवर होता है, तो क्रॉस ओवर बीच में हो रहा है इसलिए इसको बीच में रखेंगे। तो सीक्वेंस तो यही रहेगा, जो दिया हुआ है वही सीक्वेंस रहेगा, ठीक। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो सीक्वेंस निकालने का तरीका क्या था, दो स्टेप में क्वेश्चन होगा, पहला सीक्वेंस निकालना, सीक्वेंस निकालने का स्टेप क्या होता है, डबल क्रॉस ओवर को पेरेंट से हमने मैच किया, लिखा हुआ है रूल, डबल क्रॉस ओवर को पेरेंट से, पेरेंट के जीरो टाइप से मैच किया, और मैच करने पे जो पॉइंट पे या जिस जीन पे चेंज आ रहा है, डिफरेंट है, उसको बीच में रख दो और बाकी साइड वाले को किधर भी रख दो। तो जो अब इसको हम चाहे ऐसे भी लिखो, ठीक है, मतलब एस सी ई सी सी वी लिखो या सी वी ई सी एस सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मार्कर चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, ऑर्डर वही है, जीन्स का ऑर्डर वही है। ऑर्डर का मतलब क्या है, मतलब समझ रहे हो, ईसी के इधर क्या है, ईसी के इधर क्या है, एस सी के इधर क्या है, एस सी के आगे क्या है, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, क्लियर, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है कि कितना डिस्टेंस है, मैप डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस कितना है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, मैप डिस्टेंस कितना है, ठीक है, मैप डिस्टेंस कितना है उस चीज को देख लेते हैं जरा सा। चलिए भाई मैप डिस्टेंस, तो मैप डिस्टेंस देख लेते हैं, यहां पर क्या बोला गया, एट द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, विच हैव जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन ऑफ टू जीन इन कंपैरिजन टू द पेरेंट। अब पेरेंट का क्या दिया हुआ है, एस सी, कोई भी एक पेरेंट का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम ही रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, मतलब अगर पेरेंट सिस है तो दूसरा वाला पेरेंट भी सिस रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दूसरा ट्रांस आ जाए, ट्रांस कौन आएंगे, क्रॉस ओवर होंगे, ठीक, ठीक है, एस सी ई सी और सी बी, तो ये दोनों सिस है और ये दोनों सिस है।
चूंकि जीन ऑर्डर भी यही है, तो हम लोग को जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका पता करना है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है इसका पता करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है इसका पता करना है, ठीक है। तो चलिए अब एस सी और ई सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये पता करना है। तो एस सी ई सी सिस है, लिखा हुआ है कि आप वो केसेस फाइंड आउट करो जहां पे इसके जस्ट अपोजिट देखने को मिल रहा हो। तो ये दोनों सिस है, तो ट्रांस देखो एस सी ई सी सिस एस सी ई सी प्लस ट्रांस आया, तो 163 प्लस एस सी ई सी चाहिए देख लिया, एस सी प्लस ई सी ये भी ट्रांस है तो 130, ठीक है, कितना हुआ 130। अच्छा भाई एस सी ई सी ये कैसा हुआ सिस, इसको नहीं ऐड करना है, एस सी प्लस ई सी प्लस सिस नहीं ऐड करना है, एस सी ई सी प्लस और एस सी प्लस ई सी दोनों एक एक है, मतलब टोटल 1+1 कर लो चाहे, ठीक है, अपॉन इन सबको जोड़ लिया गया, तो सबको जोड़ोगे तो 3000 आएगा लगभग, लगभग से काम नहीं चलेगा, एग्जैक्ट जोड़ना है, 3000 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसमें अगर हमको देखना है तो इन सबको पहले ऐड कर दे, ऐड करने के लिए क्या हुआ 295 अपॉन 3000, ठीक है, 295 अपॉन 3000 कट कर दिया तो आया 0.0983, ठीक है, 0.0983, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 0.0983 ये हो गया आपका क्या इसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 0.0983 फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा किसके किसके बीच में, इनके इनके बीच में, मतलब ये क्रॉस ओवर, इन दोनों का क्रॉस ओवर हो जाए, क्रॉसिंग ओवर इस पॉइंट पे हो जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.0983, क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी इतनी है तो मैप डिस्टेंस कितनी है 9.8, मैप डिस्टेंस कितनी है 9.8, ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 आ जाएगा, तो मैप डिस्टेंस इसकी आ रही है 9.8, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, 9.8 आ जाएगा आपका कितना मैप डिस्टेंस, तो 9.8 लिख दो, 9.8 क्या सेंटीमॉर्गन। दूसरी चीज दूसरा वाला आ रहा है, दूसरा केस ये किसके बीच में देखा, एस सी और ई सी के बीच में था, दूसरा आ रहा है ई सी और सी बी के बीच में, ई सी और सी बी के बीच में देखो, तो ई सी और सी बी भी सिस में है तो ट्रांस ढूंढो, ई सी और सी बी सिस में है तो ट्रांस ढूंढो, ट्रांस कहां पर है सिस 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 ट्रांस 192 प्लस ट्रांस 148 प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल टू 192 148 150 342, ठीक है, कितना आ रहा है 342 डिवाइडेड बाय 3000 तो आ रहा है 0.114, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, डिस्टेंस मैप डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर लो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैप डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो जब 10 से किया तो पॉइंट यहां आएगा, जब 100 से करेंगे तो पॉइंट यहां शिफ्ट होगा, तो 11.4 क्या सेंटीमॉर्गन। तो हमको पता चला कि एस सी ई सी सी वी यहां पे मैप डिस्टेंस और यहां पे मैप डिस्टेंस, यहां पे मैप डिस्टेंस आ रही 9.83 कर लो और यहां पे कितनी आ रही है 11.4। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एस सी और सी वी के बीच की मैप डिस्टेंस बताओ, तो क्या करोगे, तो मैंने पॉइंट पढ़ाया है कि मैप डिस्टेंस जो होती है वो एडिटिव होती है, तो ऐड कर लो, ठीक है, इनको इनको ऐड कर लो, तो एस सी और सी वी के बीच की मैप डिस्टेंस कितनी होगी इतनी और इतनी, तो क्या कर दिया गया 11.4 प्लस 9.8, तो 2 आया 1 आया और 2 आया, तो
21.2, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी और देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अच्छा एक काम करिएगा, अगर समझ में आ गया तो 2020 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और इससे बहुत आसान क्वेश्चन है वो, बस उसमें ऐसा टेबल नहीं बनी हुई है, लैंग्वेज दिया गया, इतने ज्यादा डेटा भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, 3-4 क्लासेस शायद कुछ है, उसको देख लेना, सॉल्व करोगे बड़ा जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करिए। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को अच्छे से शेयर करिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करना है तो UPI ID के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।